मैं हूं पंकज पांडे, आप देखें न्यूजीलैंड भारत और हाजिर हूं प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर हेडलाइंस का रुख करते खबरों की। तो बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मिशन दुमका के लिए दुमका में हैं। इस कड़ी में वो लगातार जेएमएम प्रत्याशी और अपने छोटे भाई बसंत सोरेन के लिए जमीन मजबूत कर रहे हैं। सीएम दुमका में चुनाव प्रचार के तहत लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि झारखंड में पहली बार आम आदमी की सरकार बनी है, इस सरकार की मालिक जनता है और दुमका सीट जीतने से सरकार को मजबूती मिलेगी। जो प्यार, जो सम्मान, जो भरोसा जनता ने उन पर जताया या शिबू सोरेन पर जो जताया है, वही सम्मान भरोसा बसंत पर भी हो। को लेकर एक तरीके से चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज सुबह से शाम तक कई सभाएं की और हम भी सभा के गवाह बने हैं, तो हम सीधे जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी, कुछ आपने अपनी कही, कुछ लोगों की सुनी, राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया और भविष्य को लेकर सरकार की क्या योजना है इसके बारे में भी लोगों को बताया। बिल्कुल, लोगों को सच से अवगत होना जरूरी है और आप क्या करते हैं नहीं करते हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और लोग झूठ किस तरीके से फैलाते हैं ये भी लोगों को जानने का अधिकार है, ताकि इस लोकतंत्र का पर्व को लोग सही तरीके से उसका उसमें निर्णय ले सकें। पेंशन की बात की कि जो BPL और APL का जो गाइडलाइन था उसे आप खत्म करेंगे और 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको राज्य सरकार अब पेंशन देने जा रही है। बिल्कुल, यहाँ गरीबी इतनी अधिक है, आप देख रहे हैं लोगों को कि आज बेचारे ना बाल बच्चे कोई नहीं, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, उनको पेंशन नहीं मिलता। कितनी दुखद बात है, ना वो कुदाली चला सकता है, ना हल चला सकता है, उसका राशन कार्ड नहीं, कितना दर्दनाक ये है। आप बाहर जाके देखें तो आप गांव में घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं लोगों को, और मेरा ये संकल्प है कि इन 5 साल के अंदर इस राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बिना अनाज का नहीं रहेगा, कोई बिना पेंशन का नहीं रहेगा बुजुर्ग। सर, जैसे आप बातचीत कर रहे थे तो एक बात जो निकल कर आई कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। वो तो सरकार ने पहले दिन से ही अपने जो कार्य योजना तैयार किया वो तो बिल्कुल राज के विरोध में रहा, और नतीजा आज नहीं, 9 महीना पहले ही राज की जनता ने दिखाया है। अब रघुवर जी दोबारा इस राज में उनको कोई बैठाना चाहेगा ये उम्मीद से परे है, और इसकी आप परिकल्पना करना सबसे बड़ा धोखा होगा। दुमका में 3-3 उप मुख्यमंत्री कैंप कर रहे हैं, रघुवर जी हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं। अब यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, तो उससे क्या हो गया, आने दीजिए, उनका अपना पार्टी का अपना उनको जिम्मेवारी है, उनको अपना काम करना है, हम अपना काम करें उसमें, हमें उसके यहाँ रहने नहीं रहने से उस पर कोई टिप्पणी करना। गुरुजी भी आए क्या, गुरुजी प्रचार करेंगे? वो प्रचार क्या, उनका बैठना ही, उनका उपस्थिति ही पूरे राज को रोशनी देता है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल, आपके जो 10 महीने के कार्यकाल रहे उस पर भी लोग कह रहे हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया था वो अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। कब का, कब तक, कब 10 महीने का, ये जो अभी 10 महीने का जो आपका कार्यकाल इस गठबंधन सरकार का है उस पर भी लोग कह रहे हैं कि आपने कई कमिटमेंट किए। मैंने किसने क्या किया जरा हमें बता दें, 9 महीने में क्या मजदूर नहीं लाए गए, क्या ये जमीन में नहीं आई, क्या 9 महीने में लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जा रहा था, क्या ये हवा में खिलाया जा रहा था? अब महिलाएं यहीं पर हैं, भीड़ में ही होंगी कहीं, आप पूछ रहे, विरोधी कह रहे हैं, विरोधी कह रहे, बीजेपी कह रही। अरे विरोधी कहने से क्या, क्या उनके वोटर्स ने नहीं खाए, उनके जो जो उनके कैडर है उन लोगों ने नहीं खाए, उनसे पूछ लीजिए। आज जिस तरीके से संक्रमण में हाय तोबा मचा हुआ है,
इनके शासित राज्यों में आज इस राज्य में देखिए कोई अफरा तफरी है? रिकवरी रेट शानदार, वही तो। और जो राज्य जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है आज इसका इनको तकलीफ है, तो इनको अपना बातें रखनी है। तो बिल्कुल कई सवालों के मुख्यमंत्री ने जवाब दिए हैं और बेहद कॉन्फिडेंट है दुमका को लेकर, साथ ही साथ बिरमो को लेकर भी। और जिस तरीके से ये लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इनको लग रहा है कि सरकार जो है बेहद आसानी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये दोनों सीट जीतने जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 दुमका।